Nice. Pie pie. असलम वालेकुम गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया अभी आपको ट्रेलर से भी ज्यादा अच्छा चौटाच आने वाली है यहां पर मैं स्क्वाड हाउस में जैसे ही आता हूं ना सामने मुझे पूरे चार बंदे स्पॉट हुए तो पहला बंदा जैसे मुझे ओपन में स्पॉट होता है ना तो मैं चाहता पहले बंदे को ओपन में ही नॉक करके फिनिश कर देता और फिर उसके बाद बंदों को मारता लेकिन उस तरह की चश नहीं आती मैंने इनको ऐसा फील करवाया कि मैं एज अ मतलब नू प्लेयर हूं ताकि लोग फुल ओपन में पुष करें तो भाई बिल्कुल हंड्रेड बैट हो चुके हैं तीन बंदे जो कि फुल ओपन में पुश कर रहे हैं अच्छा तो यहाँ पर दो बंदे जैसी नौक होते ना तीसरा बंदा मेरे कंपाउंड के करीब आके मेरे पे नेड़ कर रहा था तो मैंने कहा सर इस पर मैं पुष्पा करता हूँ इसको मैं थोड़ा सा लिट करता हूँ तो फिर मैंने कहा भाई क्लच तरीके से मारना है जल्दी जल्दी से पूरी हेल्थ कंप्लीट करेंगे और भाई साहब जैसी ना मैं मेडकिट कम्प्लीट कर रहा होता तो हूँ मुझे क्या नजर आता है कि सामने स्मोक हो रहा है मैं समझ गया भाई यहाँ पर कुछ जो है दाल गल गल रहा है कुछ तो सीन हो रहा है तो मैंने ना मोल्टोव किया और मोल्टोव में जो पहला बंदा नौके था वो जल्दी फिनिश हो जाता है और उसके बाद तीसरा बंदा जो है वो नौक हो जाता है गया लास्ट बंदा जो कि मेरे पे नेट करा था पहले नेड से मैं जैसी बचता हूं और इसने भी मुझसे पहले ही नेड कुक किया था तो फिर मैंने कहा दे आते हैं इवेंट की फाइट की तरफ यार ये जो न्यू इवेंट है बहुत ज्यादा अच्छा है इसको एक्सप्लोर करते लेकिन चला ये मवाली क्यू एट किए भाई ये अब की तरह बंदे घूम रहे होते हैं ना तो उसके किल सिक्योर होते हैं उसके बाद टेढ़े पेड़े जिधर आपकी फाइट चल रही उधर ये करके आते सेम साउंड है आप लोगों ने सुना होगा तो ज़रा इवेंट की फाइट एंजॉय करो इस इवेंट पे अगर आप बंदा करो ना तो आप उनको ना ऑन द स्पॉट फिनिश कर दो क्योंकि यार इधर किल्स बहुत ज्यादा चोरी होते हैं तो मैं भी बिल्कुल यही कर रहा था ना मैं किल सिक्योर कर रहा था अभी जो ये अंदर की जगह है ना आपके सामने अभी मैं इधर अंदर जाऊंगा और तकरीबन ये जो एरिया है ये पूरा हमने क्लियर कर लिया था जिधर भी है बंदा मैं नौ करता हूँ ना इधर बंदे थे हमारे करीब कोई भी बंदा नहीं था कोई स्टेप्स नहीं आ रहा था इसको मैं ही फिनिश करता हूँ ना मेरे टीममेट्स पहुँच चुके थे तो मैंने कहा पुश करो मैं कवर दे रहा हूँ और मेरे हाथ में था नेड मेरे दो टीम मेट्स आगे जाते ना अब ये जो बंदा होता है ना ये कहाँ से निकलता है जरा सिंह देखो भाई कैंपिंग हर जगह पे होती है तो खैर कोई मसला नहीं वापस आके इवेंट पे उतरते और पूरा इवेंट क्लियर करेंगे और उसके बाद आपको फुल चास अच्छा वाली फाइट क्या मैं वन वे फोर की मैचेस कराऊंगा ठीक है यहाँ पर ना मुझे सांस नजर आती है सास का पबजी में क्या काम है सास जी आप और काम संभालो पबजी हम खेल रहे हैं ना क्या जरूरत है और आप पे इवेंट से नीचे हो तो सास को ना जल्दी से नॉक किया और उसके बाद जल्दी जल्दी से फिनिश किया उसके बाद जिस बंदे ने ना हमें नॉक किया था मैं जैसे आता हूँ ना यहाँ हवा में ए, उड़ के जो है ना वो क्या एक कहावत है कि आसमान से गिरा दरख्त में अटका या पता नहीं किधर अटका है तो खैर ही अटका होता है ना उसके बाद मुझे एक और बंदा आगे स्पॉट जाते हैं ना जिधर जिधर मुझे बंदा स्पॉट होता है ना मेरा फेवरेट इवेंट है क्योंकि यार यहाँ पर मैं प्रॉपर नेट्स कर सकता हूँ भाई भाई जहाँ पर मुझे बंदा नजर आता है ना मैं स्पॉट नेट को कर लेता हूँ इस बंदे का ना मैंने दोनों तरफ से एंगल गिर लिया था यहाँ से मैंने नेट किया था लेफ्ट से मैंने मुल्ट ऑफ किया था कि मेरे एंगल में आया और उसको भी मैं जैसी फिनिश करता हूँ ना आप तकरीबन ईवेंट हमने सोचा क्लियर हो गया लेकिन इतने में एक बंदा एंट्री मारता है भाई भाई मेरे दोनों टीम मेट्स नौक हो गए अब हाँ मैंने कहा मैं क्या करूँ मैं, मैं मुझे जैसे बंदे की लोकेशन स्पॉट होती है ना वही हिसाब है ना कि बारिश और ख़ारिश कभी भी हो सकती है तो मैं इनको कवर देने के बजाय मैंने नेट किया नेट से बंदा नॉक नहीं हुआ उसके बाद फिर मैं करीब गया और इस बंदे को मैं मार लेता हूँ अब यार पूरा इवेंट क्लियर हो चुका है और यार इस इवेंट पे ना और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि वो उड़ने वाला वो आगे हम जाके एक्सप्लोर करेंगे और इन पर एक अच्छा सा नाम रखेंगे जैसे कि जोम्बिस पे हमने मवाली का नाम रखा है आप लोगों ने जोम्बिस नहीं बोलना देखो इनकी बेरोमती नहीं करनी है इनको आप लोगों ने जो है ये मवाली ही बोलना है मवाली तक ठीक है ठीक है अब इस पोजीशन पे मैंने रुका और मैंने फ्लेयर फायर किया और जरा सीन देखो सामने क्या हो रहा है साला ये बंदे मेरे लिए बैठे हुए थे कि जरा सा ड्रॉप लूटू और इनको ना मैं पट से जो है पट से हट छोट मार दू तो इतने में ना पूरे चार बंदों का पुश आता है ना गाड़ी आती है क्योंकि फ्लेयर फायर किया था तो अब मैंने अपने नेड आजमाने थे मैं जैसी पहला नेड करता हूँ ना तो इसी पोजीशन पर मैं रुके मैं दूसरा नेड करता हूँ और भाई मोल्टोवा के मेरी हेल्थ आप देख सकते हो भाई भाई पीछे भी दो बंदे हैं और उससे मेरे फ्रंट पे दूर भी दो बंदे और नीचे चार बंदे हैरान परेशान करे तो करे क्या यहाँ पर मैं जल्दी से फर्स्ट एड कम्प्लीट करे था और उसके बाद दे मार साढ़े चार वाला नेड करना था मैंने सा नाल भाई भाई दो बंदे हो गए ना ऑन द स्पॉट नेड कुक तो यार यहां पर जो दो बंदे थे ना वो दोनों मर गए थे और इनके बाकी दो थी टीममेट या टीमेट्स ने भी पुश किया तो यार यहाँ पर हमारा फिर से एक वन वी हो गया और यार अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक वाइक बार तो जरा टीममेट को बगी से उतार दिया और पूरे तीन बंदे हैं एक इवेंट में और एक इवेंट से बाहर है सॉरी दो इवेंट में यार जबान फिसल जाती है तो सामने दो बंदे देखो जरा दूसरा किधर है अब एनिमी भी ऑलमोस्ट वन एच पी था और मेरी हेल्थ भी आप देख सकते हो तो यार पर टीममेट को बचाने का बिल्कुल भी चांस नहीं बना था सबसे पहले ना मैंने मोल्टोव किया और उसके बाद ये जो लेफ्ट पे जो है ऐसा कंटेनर बना हुआ है मैं ये सोच रहा था ना कि इसके जो लेफ़्ट पे एक खिड़की है तो मैंने ना यहाँ से नेड़ कू की क्योंकि ये नया नया था और यकीन करो मैंने सिर्फ दो तीन दिन ही गेम खेले बस इसमें मतलब फिर मैंने गेम नहीं खेले तो यहाँ पर मैं जैसे ही रुका ना फिर मैं समझ गया कि ये इस डबे या उस डब्बे पे रिवाइव कर रहा तो जो रिवाइव कर था वो होशियार था उसको पता था नेड करेगा तो ये जो बंदा बैठा हुआ ना ये बड़ा जो है सुन बंदा था तो इस पर मैं नेड़ करता हूँ ओके तो गाइज अब बात है भाई पाकिस्तानी लोबी और पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ फाइट का भाई भाई सबसे पहले करम और काफी में ना इस टीम का नाम नोट कर लो इस प्यारे भाई का नाम नोट कर लो क्योंकि जरा ना पाकिस्तानियों से थोड़ा सा एहतियात से बात करना पड़ता है अरबी को तो लोग कुछ भी बोलते हैं तो मैं मेरा रिकॉर्ड जैसी ज़ाया हो गया मैं पूछ क्या आ चुका था जैसी मुझे यूजी मिलती है ना अब यार इसी मौके पे यहाँ से एक बग्गी गुजर रही होती है और उसके पीछे एक और भी बग्गी होती है د پهورو کې نه څه مرسته نه کوي भाई साहब ये एक नॉर्मल स्क्वाड नहीं था यार ये एक अच्छा स्क्वाड था वो सिर्फ मेरे रिसोर्स ग्लिच हो गए थे जिसकी वजह से ना इनके जो है वो कपड़े शपड़े नजर नहीं आ रहे थे अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया मेरा वन वी थ्री हो गया तो मैंने टीमेट को जल्दी से रिवाइव किया और हमें नहीं था पता कि चौथा बंदा है क्योंकि दो बगी थी आपके सामने तो इतने में ना लास्ट बंदी की ना लोकेशन स्पॉट हो जाती तो मेरे दोस्त ने कहा मेरे टीमेट ने कहा जरा छुरी मुरी मैंने कहा शौक से मारो खैर है यार कभी कभी हम भी छुरी मुररी मारते है ना तो यहाँ पर ना लास्ट बंदा था मैंने टीम मेरा टीमेट मार सकता था मैंने कहा मैं मारूंगा वन बिफोर को बीप कुतिया वाले स्टाइल में कंप्लीट करूंगा लेकिन यार ये साला मौके पे ना फरार हो गया ना मौके पे जो बंदा फरार होता है ना ये मौके पे फरार हो गया और यहाँ से मैं समझा फिनिश हो गया मुझे तो दो किल्स मिल गए ये बंदा यहाँ पे मौके पे फरार हो गया इसको हेड भी पड़ गया ये बंदा गया यहाँ से अपने टीम को रिकॉल करने के लिए भाई भाई अब हम मजे से पुचिंकी में लूट कर रहे हमें क्या पता कि यार इसका रिकॉल है हम तो ये सोच रहे कि ये भी हमारी तरह इवेंट पे जलील हो के वापिस पुचिकिया लेकिन ऐसा नहीं था ये लोग उतरे ही पुचिंकी थे मेरे ख्याल से कोई अलग तरीके से खेल रहे थे कोई टॉप वन रैंकिंग थी कोई हिसाब किताब तो था इनका Let's see. वाला, 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 वाला। सीन देख लिया बैड सीन हो गया यार में 6x लगा था, था। मैंने नहीं लास्ट बंदा है ना जिस पोजीशन पर हमें इस एंगल से किस निकलेगा एक और बंदा सामने जा रहा है अपने टीमेट को रिवाइव करने के लिए मैंने कहा मसला नहीं तसली नाल रिवाइव कर लो मैं तसली नाल जो है नेट करूंगा और उसके साथ तसली नाल जो है मैं अपना लगाऊंगा मेरे टीममेट को भी मैंने कहा कि बाय बाय करके तसली नाल करना है कोई जज्बाती नहीं होना लेकिन साला ये हमारे से न्यू जनरेशन है इनमें तो कोई तसली ही नहीं है ना तो पहले मैंने नेट किया फर्स्ट एयर लगाया फिर मैंने नेट किया फिर मेरा पर फिर से नोक हो गया भाई भाई अब मैंने कहा दे मार साढ़े चार कवर देना है, ठीक है मेरे टीमेट को जैसी नोक फिनिश की देखो नॉक फिनिश करा बेजिंदा हो मुझसे फाइट लो मेरे टीम को क्यों इतनी जल्दी नोक फिनिश कर रहे हो तो फिर मैंने ना यहाँ पर अपना तीर आजमाया नेट करने के बाद फिर मैं ऑन द स्पॉट पुश करने का सोचा अब ये जो बंदा है ना ये मुझे घुमा रहा था और देखो जरा इनको मैं जैसी नो करता हूं ना इसके बाद मेरे साथ क्या होता है ये लास्ट बंदा किधर से निकला कलम का पे मैं नोट लास्ट भाई भाई तो यार वीडियो को ये भी करते हैं तो और भाई कल सीजन आ रहा बेस्ट ऑफ लक कमेंट में कह दो यार ताकि मैं पूरा प्रिपेयर हो जाऊ गेम के लिए तो भाई अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मेरा इनएक्टिव रहने की वजह मैंने टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट की थी तो आप लोग जरा चेक करना तो मिलते हैं रैंक पुष में फिर